यहाँ दिए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इस घटना से किसी भी व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। यदि किसी अन्य कथा से इसका संबंध हो तो वो योगायोग होगा। ऐसे कथाओं से संविधान के कानूनों को नज़रअंदाज करने वाले लोगों और शोषित वर्ग की गाथाएं आपके सामने लाने की कोशिश। हमारे टुकड़ों पे पलने वाले आज हमारे ऊपर बगावत करेंगे। सबक तो सिखाना पड़ेगा, जो हमारे खिलाफ बगावत करेगा उसे मारना पड़ेगा। इस प्रधान पाड़े पे हमारी हुकूमत थी, है और रहेगी। हाँ बोलिए थानेदार साहब, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे लड़के ने थोड़ा सा मजाक कर दिया था। हाँ हाँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना मैं भिजवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। करू पाटिल, तू चाहे कितना भी पैसा खिला दे, ये संविधान और कानून हमें न्याय जरूर दिलाएगा। बच्चे तू अब शहर से आया है ना, इसलिए तुझ पर जुनून सवार है। मेरी बात सुन, तू अपने बहना को कहीं दूर ले जा। भागने के दिन गए पाटिल, अब बाबा साहब का संविधान चलता है, हर दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाएगा।
और मेरी बहन के साथ जो हुआ है ना उसकी सजा तो मिलेगी। क्या कर लेगा रे तू? न्यायपालिका का हर एक दरवाजा खटका उठाऊंगा जिससे हमें न्याय मिलेगा। बेटा ये सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में तो प्रशासन बिका हुआ है। कड़ू पाटिल अब तो अपने बारे में सोच, क्योंकि मैं जा रहा हूँ अपने शहर तेरे हर करतूतों का पर्दाफाश करने। आज तक कड़ू पाटिल को मिटाने वाला ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। कर ले जो करना है। समाज जुबा काट डाली उठी जो आवाज, जुबा काट डाली उठी जो आवाज, मेरी कौम मरती रही भूख से, हवन यज्ञों में जलाया अनाज, हवन यज्ञों में जलाया अनाज। पाटिल ने बोला है कुत्ते की मौत मारो उसको, और हाँ नस्ली पुलिस बन के जाना है। पुलिस नक्सली से मिला है तू? साहब आपसे कोई गलती हो गई। नक्सली साले आज तू नहीं बच के जाएगा, शहर जाने के बहाने तू उनसे मिलने जाता है। मैं जानता हूँ सारा तुम पुलिस वाले नहीं हो, कौड़ू पाटिल के किराए के गुंडे हो तुम लोग। हाँ हम नहीं है पुलिस वाले, लेकिन आज तेरा गेम बजा के ही जाएंगे। हाँ मार दो मुझे, अगर इस देश में आवाज उठाना कलेजे तो मार दो मुझे। यहाँ के मूल निवासी यानी आदिवासी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है तो मार दो मुझे, लेकिन मेरे जैसे हजारों लड़के खड़े होंगे। किस किस को मारोगे आप? बस ये कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है, मार दो इसे।
आवाज उठाने चला था, एक का काम हो गया। चलो रे। दूसरे दिन ऐसे ही युवक को नक्सलवादी माओवादी करके घोषित किया जाता है, जहाँ संविधान को ना मानते हुए किसी बड़े व्यक्ति के हाथ में प्रशासन होता है, आवाज उठाने वाले का आवाज मिटाया जाता है। दोस्तों, जिस समाज को दुनिया मूल निवासी कहती है, उसके ऐसे कई गाथाएं धरती के सीने में दफन है, ना मीडिया वहां तक पहुंचती है, ना सरकार उस पर बोलती है। दोस्तों, हमेशा की तरह हमने ये दूसरे शॉर्ट फिल्म का ये भाग है जो नक्सलवाद और आदिवासी के बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा, क्योंकि नक्सलवाद जो है वो आदिवासियों को कैसे ठहरा देते हैं ऐसा भी एक इस मामला है, और जो भी आदिवासी लड़का आवाज उठाता है उसको कैसे दबा दिया जाता है ये हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सो ये टीम है राजा रावण सैन्यदल की, जो शॉर्ट फिल्म के पीछे लगी है और अच्छे से अच्छे आदिवासी समुदाय को ये वीडियो देना चाहेंगे। और इसके लिए आपको करना है, आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है, लड़कों को सपोर्ट करना है और देखते रहना है अलाइव ब्रेथ। तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो को, अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। देखते रहना अलाइव ब्रेथ। 2-3 स्टार्ट। बच्चे, तू अभी शहर से आया है ना?